इतनी रात को कौन आ गया? कौन? नेहा? तुम? वो भी इतनी रात को? अरे कम से कम आने से पहले एक बार कॉल कर देती ना। कोई कॉल ना कोई मैसेज, सब ठीक तो है ना? सम्राट कुछ भी ठीक नहीं है, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। क्या? तुम मुझे घर के अंदर बुला लो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, प्लीज। तुम एक काम करो, तुम फटाफट अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ये लो पानी पियो। और बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले उसे शादी करवाने के लिए राजी नहीं थे। तो मैंने और उसने प्लान बनाया और हमें लगा कि हम भाग चलेंगे बहुत दूर। मेरे मम्मी पापा ने उस लड़की की कंप्लेंट कर दी और अब मेरा प्यार, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा फोन नहीं उठा रहा है। वो मुझे छोड़ के चला गया सिर्फ पुलिस के डर से। और अब मैं कहाँ जाऊँ? ना मैं घर की रही, ना मैं घाट की। मैं क्या करूँ सम्राट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, तुमने किसी से पूछा भी नहीं। अरे मैं मानता हूँ कि तुम अपने घर पे नहीं कह पाई, कम से कम अपने यार दोस्त से तो कहना चाहिए। यार मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त था, तुम मुझसे भी नहीं मिलती हो आजकल, पता नहीं कहाँ गायब गायब रहती हो। मुझसे कहती कम से कम मैं तुम्हारे घर वालों से एक बार बात करता। प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन कम से कम ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जिससे तुम प्यार करती हो वो तुम्हारे लायक है या नहीं है। माना कि तुम्हें प्रेम हो गया है, पर यार जरा सोच के देखो, प्यार करने का एक सही वक्त होता है। अगर आज तुम सक्सेसफुल होती, तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमसे बहुत खुश होते और शायद तुम्हारी शादी वो हंसी खुशी से करा देते, और शायद उस शादी में मैं भी इनवाइटेड होता। पर जल्दबाजी में तुमने गलत इंसान चुन लिया और उसका नतीजा देखो, आज तुम्हारे घर वाले तुमको देखना नहीं चाहते हैं, तुम्हारे ऊपर केस कर चुके हैं। सोचो कैसी सिचुएशन होगी तुम्हारे घर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा? पता है तुम्हें, गांव में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो शहर आकर पढ़ना चाहती हैं, लेकिन जब उनके माँ बाप ऐसे किस्से और ऐसे कहानियों को जब सुनते हैं तो वो भी दहल जाते हैं अंदर से कि कहीं मेरी बच्ची ऐसा कदम ना उठा ले। वो भी नहीं भेज पाते हैं और ऐसे बहुत सारी लड़कियों के सपने टूट जाते हैं, पढ़ने से वंचित रह जाते हैं वो। फिर क्या, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उनकी शादी कर दिया जाए। प्लीज़ ऐसे मैसेज मत दो समाज को। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते। शायद पुलिस नीचे आ गई है, उनको शक हो गया कि तुम इधर भाग के आई हो। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम एक काम करते हैं, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, सुबह मैं तुमको तुम्हारे घर लेके चलूँगा और तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात करूँगा मैं कि जो हो गया माफ़ कर दें तुमको। यार आखिर तुम उनकी बेटी हो, तुम उन्हीं का तो खून हो, मैं उनको समझाऊँगा।